हेलो स्टूडेंट्स, एल्कोहल फिनाल आज आपको बताया जाएगा भौतिक गुण के बारे में। तो आइए समझते हैं भौतिक गुण एल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में। ध्यान से आप लोग समझें, एल्कोहलों या फिनालों के दो भाग होते हैं। ठीक है, एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, उसके दो भाग होते हैं, एक एल्किल एरिल समूह और दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो अगर एल्कोहल होगा तो उसके पास एल्किल होगा और हाइड्रॉक्सिल समूह होगा, और फिनाल होगा तो उसके पास एरिल समूह होगा और हाइड्रॉक्सिल समूह होगा। ठीक, एल्कोहल एवं फिनालों के गुणधर्म OH समूह के कारण होते हैं। ठीक है, चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, उनका जो गुणधर्म होता है वह हाइड्रॉक्सिल समूह के कारण होता है, OH समूह के कारण होता है। एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को समानता संशोधित करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चाहे एल्किल हो या फिर एरिल हो, तो इनकी जो प्रकृति है वह गुणधर्मों को संशोधित करती है, समानता संशोधित करती है। तो आइए एक एक गुणधर्म को देखते हैं। क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक को अगर देखा जाए, एल्कोहलों और फिनालों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है उनके क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वांडर वाल्स बलों में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी वांडर वाल्स बलों में वृद्धि होगी, जिससे एल्कोहल और फिनाल का क्वथनांक बढ़ता जाएगा। ठीक है, एल्कोहलों में शाखन के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं। तो अगर एल्कोहलों में शाखन बढ़ेगा अर्थात ब्रांचिंग होगी, एल्कोहलों में शाखाएं निकलेंगी, ब्रांचिंग होंगी, तो उनका क्वथनांक कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घटने से वांडरवाल में कमी हो जाती है। जैसे जैसे एल्कोहलों में ब्रांचिंग होगी, शाखा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, सरफेस पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह घट जाएगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल के घटने से वांडरवाल बलों में कमी हो जाती है। ठीक है, तो वांडरवाल बलों में कमी के कारण क्वथनांक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वथनांक के बारे में, कि एल्कोहल और फिनाल का क्वथनांक जो है कार्बन परमाणु की संख्या में अगर वृद्धि हो तो क्वथनांक का मान बढ़ता है। इसका कारण है कि वांडरवाल बलों में वृद्धि होती है, इसीलिए कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने से एल्कोहल और फिनाल का क्वथनांक बढ़ता है। जबकि एल्कोहलों में शाखन के बढ़ने के साथ साथ, अगर एल्कोहल में ब्रांचिंग होगी तो इससे उनका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है घटेगा, जिससे वांडरवाल बल घटेगा और उनका क्वथनांक कम हो जाता है। आगे देखिए, एल्कोहल और फिनालों में OH समूह अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। ठीक है, एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, उनमें जो OH समूह होता है वह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखें ध्यान से, यह आपका एल्कोहल है, ROH, 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 ROH। ठीक है, यह आपका एल्कोहल है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यह डॉटेड बंध देख रहे हैं, इसको हाइड्रोजन बंध कहेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह एल्कोहल है और यह आपका फिनाल है, जिसमें आप देख रहे हैं C6H5OH। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। तो चाहे एल्कोहल हो या फिर फिनाल हो, उनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आपस में ही अणु जो होते हैं वे हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जैसे एल्कोहल में ROH जो है आपस में यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध बना रहा है, उसी तरह फिनाल भी आपस में ही अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, अब जो है हाइड्रोजन बंध के कारण क्वथनांक के मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। एल्कोहल हो या फिर फिनाल हो, उसमें जो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध आप देख रहे हैं, इसके कारण इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। एल्कोहल फिनाल का क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी। देखें ध्यान से, यह रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों
यानी हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलोएल्केनों, हेलोएरिनों के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल और फिनाल के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। ठीक है, तो अगर एल्कोहल और फिनाल की तुलना किया जाए अन्य वर्गों के यौगिकों से, हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, हेलोएल्केन, हेलोरिन से, तो इन लोगों का द्रव्यमान अगर तुलना करेंगे तो द्रव्यमान जो है लगभग, आणविक द्रव्यमान लगभग समान होगा, लेकिन क्वथनांक जो होगा वह एल्कोहल और फिनाल का अधिक होगा। ठीक है, इसका कारण हमने बताया, यह अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। देखे ध्यान से, यह आपका एथेनॉल है CH3CH2OH एथेनॉल, यह मेथॉक्सी मेथेन है CH3OCH3 मेथॉक्सी मेथेन, और यह आपका प्रोपेन है CH3CH2CH3। ठीक है, यह आपका प्रोपेन है CH3CH2CH3 प्रोपेन। ठीक, अब इनका आणविक द्रव्यमान अगर देखें तो एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान जो है 46 है, मेथॉक्सी मेथेन का आणविक द्रव्यमान 46 है, इन दोनों का आणविक द्रव्यमान लगभग क्या सेम है, बराबर है। प्रोपेन का आणविक द्रव्यमान 44 है, 44 है। तो आप देख रहे हैं एथेनॉल, मेथॉक्सी मेथेन और प्रोपेन, इन तीनों के जो आणविक द्रव्यमान है वो लगभग समान है। लेकिन अगर क्वथनांक देखा जाए तो एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन है, मेथॉक्सी मेथेन का 248 केल्विन और प्रोपेन का क्वथनांक 231 केल्विन है। ठीक है, तो क्वथनांक जो है आप देख रहे हैं मेथॉक्सी मेथेन का भी काफ़ी कम है 248 और प्रोपेन का भी क्वथनांक 231 केल्विन है, जबकि 351 केल्विन जो है एथेनॉल का है, 351 केल्विन एथेनॉल का है। तो एथेनॉल का क्वथनांक जो है वह तीनों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन द्रव्यमान अगर देखा जाए तो मेथॉक्सी मेथेन और एथेनॉल का द्रव्यमान सेम है, 46 और 46 है, लेकिन क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा आपको बताया गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण एल्कोहल या फिर फिनाल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यह फिनाल है, इसमें हाइड्रोजन बंध बना हुआ है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, एल्कोहल है ROH, इसमें भी हाइड्रोजन बंध बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, देखे ध्यान से,